ये बिग बॉस साड़ी है, अगर आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा और मैं आपको उसमें दिखी होंगी जब वो आया था ना लुंगी डांस, तो मैंने लुंगी प्रिंट साड़ी खरीदी थी। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और रतन राजपूत का उलझा पुलझा प्रणाम। समझ नहीं आ रहा है कौन सी स्टोरी करूँ मैं, साड़ी स्टोरी ये कुकिंग स्टोरी। कुकिंग स्टोरी में मैं नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मैं खुद कुक हो रखी हूँ, मेरा कुकर बना हुआ है अभी। मैं नहीं करूँगी कुकिंग स्टोरी क्योंकि मेरा कोई खाना वाना बनाने का मन नहीं है। और सारी स्टोरी अगर मैंने किया तो मेरे कमरे में जो मैंने रायता समेटा था छुट्टी में वो फिर से फैल जाएगा, मुझे कबड़ की सफाई करनी पड़ेगी। तो साड़ी भी नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं क्या करूँ यार, सब स्टोरी दिखा देते हैं, ये नहीं दिखाते कि साला हम भी फंसते हैं कि स्टोरी क्या दिखाएं, क्या बताएं आज हम आपको। मुझे तैयार होने का मन नहीं है, मुझे कुकिंग करने का मन नहीं है, शीला भी जा चुकी है, मेरे पास स्टोरी कहाँ है जो मैं आपको दिखाऊँ। आओ घर में स्टोरी ढूंढते हैं, आज हम घर में स्टोरी ढूंढेंगे। कुकिंग कैंसिल क्योंकि मेरा कुकर बना हुआ है और मैं कुक नहीं करूँगी। टेडेंग टेडेंग टेडेंग, इस घर में क्या है स्टोरी, इस घर में क्या है स्टोरी, इस घर में है मतलब इस रूम में है क्लीनिंग स्टोरी। तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे थकना नहीं है। तो हम दूसरे कमरे में स्टोरी देखते हैं। हाँ ये देखो एक स्टोरी स्टोरी नहीं है, मैं स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ब्लाइंड का ना ये जो डोरी होता है जो ऐसा होता है वो खींचते खींचते टूट गया, तो अब ये भाई साहब ऊपर है तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसे दांत ऐसे दिख रहा है। ये दिन रात ऐसी धूप आता रहता है, रात धूप आता रहता है, रात में कौन सा धूप आता है, पूरा दोपहर धूप आता रहता है, तो मैं बहुत परेशान। अब बात आती है, रुक जाना वहीं आ जाना, कुछ कुछ छुपाना भी पड़ता है क्योंकि अभी अभी शूटिंग ख़त्म हुई है तो घर की हालत ठीक नहीं है। हाँ शूटिंग ख़त्म हो गई, अब मेरा ट्रैक नहीं आने वाला है, तो संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएँ फिर भी आप लोग देखें क्योंकि वहाँ मेरा परिवार होगा, सिर्फ मैं नहीं होंगी, सो मिस मी। ये है हमारे साड़ी का कलेक्शन। अरे यार कबर्ड कौन खोल के दिखाता है, हाय राम ये देखो ना कैसे हो रखा है। अच्छा मैं आपको साड़ी का कलेक्शन नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्लाउज का कलेक्शन। मेरे पास कम से कम 60 या 70 साड़ियां होंगी जिसके ब्लाउजेस नहीं बने हुए मतलब अतः जोके मैं इतनी आलसी हूँ कि मुझे ये सब काम पसंद ही नहीं है, मुझे सजना संवरना या उसकी तैयारी करना, मैं इसमें टाइम ही वेस्ट नहीं करती, मुझे लगता है पूरी लाइफ के इसी में लगा देनी है। कुछ भी पहन लो, मैं टी शर्ट पे साड़ी पहन लूँगी, मैं स्पेगेटी पे पहन लूँगी, हाय राम कोई बनवा दो यार, ये सब काम मेरे बस की नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये थोड़ा ही है, ये मैंने अलग से निकाल के रखा है कि पहले मैं ये बनवाऊंगी, फिर ऊपर बॉक्स में भरा हुआ है ब्लाउज, आई डोंट नो कैसे होगा। तो क्योंकि अब मैं हूँ कम्प्लीटली फुर्सत में तो मैं अब ढूंढूंगी एक अच्छा टेलर, मुझे आज तक मुंबई में ढंग का टेलर नहीं मिला है, वो जो पटना के फेमिना वाले मास्टर जी फिटिंग देते थे ना वो मुझे अब तक नहीं मिला। दिल्ली में थी तब भी पटना जाकर मैं अपना स्टिच करवाती थी, मुंबई आई हूँ तब से मुझे, मैं शूटिंग पे बात करूँगी, शूटिंग वाले टेलर नो, हाँ मेरे स्टाइलिस्ट है ना, अब मैं उनका ऐसे कॉलर पकड़ूंगी, बना बना। तो ये है ये है ये, क्या लाइव हो रहा है, आज मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, सैड हूँ ना यार, एक भरा पूरा परिवार 60-70 लोगों का छोड़ना, और वो भी पता है मिलकर भी नहीं आई, आखिरी वाला ऐसे गुड बाय किस भी नहीं हुआ, गुड बाय झप्पी भी नहीं हुई, बस गुड बाय हो गया फोन पे, दुखी हूँ मैं। फिर भी फिर से वही लाइन, अंत ही आरंभ है, तो अभी अंत हो चुका है एक शो का और मैं करूंगी अब अपने आप को चार्ज तैयार। ये बिग बॉस साड़ी है,
अगर आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा और मैं आपको उसमें दिखी होंगी वैसे तो मैं बिग बॉस में ज़्यादा दिखी नहीं होंगी आपको, लेकिन फिर भी जो फिनाले था जब मैं बाहर निकली थी और मैं ये पहन कर आई थी, तो सलमान ने मुझे कहा था, अरे आप तो पुरानी फिल्म की हीरोइन लग रही है। एंड या ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, ये मेरे उस टाइम की सबसे एक्सपेंसिव साड़ी हुआ करती थी, मतलब ये मैं उस टाइम पे मैंने एक्सपेंसिव साड़ी खरीदी थी, ये मुझे 26,000 या 28,000 का मिला था और अपनी कमाई से इतनी महंगी साड़ी मैंने पहले ली थी, मुझे बड़ी खुशी मिली थी। अब अगर आप पूछोगे कि आपकी सबसे एक्सपेंसिव साड़ी कौन सी है, तो मैं कहूँगी अब मुझे ज़रा भी शौक नहीं है, मुझे लगता है ये कपड़े फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, इतना एक्सपेंसिव क्या करना है यार, जो पसंद आता है लेती हूँ, नहीं आता नहीं लेती हूँ, पैसे वैसे का इतना ये नहीं करती कि एक्सपेंसिव ही चाहिए। अब ये देखो ये साड़ियाँ मैंने पहन, मेरे वार्डरोब में मैक्सिमम साड़ियाँ ऐसी है जो मैंने अभी तक खोली भी नहीं है, पहनी नहीं है। मेरी मॉम कहती है कि साड़ियों का तह बदलते रहना चाहिए वरना बनारसी या सिल्क कट जाता है। हे भगवान, एक और ब्लाउज बचा लो मुझे प्रभु। ऐसा नहीं लग रहा है शादी की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये साड़ी मेरी माँ को बहुत पसंद है। बाय द वे इसका भी ब्लाउज नहीं बना है। मेरी मॉम पटना में जब भी शॉपिंग के लिए जाती है ना, तो उसका ऐसा है कि अब मैं अपने लिए क्या साड़ी खरीदूँ, पापा ने इतना दिलाया है, पहनने को टाइम नहीं है, मौका नहीं है, लेकिन फिर भी साड़ी ज़रूर खरीदती है। सारी बेटियों की शादी हो गई, मैं एक बच्ची हूँ, तो वो खरीद खरीद कर ऐसे देती रहती है कि तेरी शादी में ये सब इस्तेमाल होएगा। ओ गॉड, बाप रे, क्या दिखाऊँ मैं, ये देखो ये मेरी भाभी ने मुझे दिया, भाभी ने, ओहो नहीं रुक जाओ, मेरी बहू ने मुझे दिया, मैं सास भी हूँ बाय द वे, यस मेरे बेटे की वाइफ ने मुझे दिया है, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत गुस्सा होगी कि मैंने अब तक एक बार भी नहीं पहना है। ये मेरी भाभी ने दिया है, इस टाइप की जितनी भी साड़ी आप देखोगे समझ जाना ये मेरी माँ ने दिया है, वो शादी के पर्पज से वो खरीदती रहती है, वो कहती है कि तेरी शादी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि झट से हो जाएगी, तो तैयारी पहले से रहनी चाहिए, तो वो तैयारी करती रहती है। सो इमोशनल ना मैं साड़ी देख रही हूँ ना, तो मुझे ब्लाउज दिख रहे हैं। ये भी साड़ी मॉम ने दिया है, अगेन शादी पर्पज, यार कितना सपना देखती है मम्मी मेरी शादी का, यार मैं भी देखती हूँ बस सपने में, सच में देखने का हिम्मत नहीं है मुझमें शायद। और क्या दिखाऊँ, हाँ मम्मी ये मेरी माँ की साड़ी है, ये मैंने मॉम को गिफ्ट किया था, तो मॉम ने यही छोड़ा हुआ है, जब यहाँ आती है तो वो पहनती है। टेम्पल प्रिंट कहते हैं या क्या कहते हैं, मेरी माँ समझदार है, मेरी बहनें ना ज़्यादा फैशनेबल है, वो देखो ब्लाउज व्लाउज के साथ रखती है, मैं ऐसे रखती हूँ। मुझे ये साड़ी पहनना है यार, कोई मौका ही नहीं आ रहा है, मैं मास्क के साथ नहीं पहनना चाहती ना, इसलिए मैं जब कोरोना और ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तब मैं पहनूंगी इसे। ये द सूट केस से लिया हुआ है, द सूट केस ब्रांड मेरी सिस्टर का है रागिनी का, जिसको आपने देखा है, शी इज़ वेरी गुड। ओ गॉड, कितनी साड़ियाँ हैं यार, उलझ गया है। अरे यार ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है, ये जब वो आया था ना लुंगी डांस, तो मैंने लुंगी प्रिंट साड़ी खरीदी थी मैं खोलूंगी नहीं वरना बहुत पचड़े में पड़ जाऊंगी। अच्छा, इतनी सारी साड़ियों में मैं किस तरह की साड़ियाँ पसंद करती हूँ पहनना रेगुलरली, वो मैं दिखाती हूँ। जान मुर्गी के अंडे, वो साड़ी किधर गई, ना 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 ना, हाँ मेरी जान, मुझे कॉटन साड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पास आपको कॉटन की बहुत सारी साड़ियाँ मिलेंगी। चंदेरी बहुत पसंद है मुझे, मैचिंग ब्लाउज मैं भूल ही गई थी कि ये साड़ी भी है मेरे पास, ये पहनूंगी मैं भी हाल फिलहाल में। ये सब मेरे टाइप वाली साड़ियाँ हैं, मैं कभी भी फैंसी साड़ियाँ नहीं ऐसी उठाती कि रेड कार्पेट पे जो पहनूं वही साड़ियाँ लो, मुझे रेड कार्पेट वाले शॉपिंग करनी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पता है वो शॉपिंग कैसी होती है, बिल्कुल वैसी शॉपिंग होती है जैसे आप
शादी में, भाई की शादी में या बहन की शादी में एक घाघरा हैवी खरीद लो, साड़ी खरीद लो, फिर उसको दोबारा किसी फंक्शन में नहीं पहन सकते, ऐसा लगता है देखा हुआ है, खुद में भी फीलिंग नहीं आती पहनने की, तो मैं वो नहीं करती वो। कैसे जाऊं? अरे यार अब कुछ लोग कहेंगे रतन जी अच्छा नहीं लगा आपको साड़ी, स्टोरी साड़ी पहन कर करनी चाहिए थी, शॉर्ट्स पहन के कर ली। ये उनकी फरमाइश के लिए अधूरी फरमाइश, पूरी फरमाइश में किसी और ने पूरी कर ली है। हाँ मुझे ऐसे मल की साड़ियाँ बहुत पसंद है, इतनी हल्की होती है ना कि पहन लो तो पता ही नहीं चलता कि आपने साड़ी पहनी है, इसको पहनकर आप क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल मैच कर लो, आपको फील नहीं होगा, लगेगा ही नहीं 5.5 मीटर की साड़ी है आपके तन पर। ये भी नहीं पहना है यार तक, एक बार भी नहीं पहना। ये भी रागी ने मुझे गिफ्ट किया है, द सूटकेस, अगर आप लोग भी लेना चाहें तो द सूटकेस पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ का लिंक मैं शायद शेयर कर दूँगी, पर ये कोई कोलैबोरेशन ये वीडियो नहीं है। हाँ ये मैं बस वैसे ही बता रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो। हाँ मैं माँ की साड़ियाँ बहुत उठा कर लाती हूँ, जो उसकी पुरानी घिसी पिटी, जो कहती है कि ये ख़राब हो गया, एक तो बांट भी देती हैं और दूसरा वो कुछ बिछाने बिछाने के लिए, वो हमारे यहाँ लेवा कहते हैं वो बनता है, तो मैं उसमें से भी साड़ियाँ उठा लेती हूँ, दिखाती हूँ। हाँ जैसे ये साड़ी मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मुझे इतना पसंद है मैंने ले लिया, क्योंकि इस साड़ी को मैंने माँ को पहने हुए बहुत देखा है, पापा के साथ घूमने जाती थी तो पहनती थी, तो एक मेरा ऐसे कनेक्शन और अटैचमेंट है। ये साड़ी भी मॉम की है, कॉटन है ज़्यादातर, सिल्क, चंदेरी, कॉटन और जॉर्जेट मल, ये मेरा टाइप है, मुझे यही पसंद है, वो कितना भी बड़ा से बड़ा फंक्शन हो मैं इससे हैवी साड़ी नहीं पहन सकती। यार हर इंसान का एक स्टाइल होता है, कुछ लोग बहुत सजना सवरना और तरतीब से रहना पसंद करते हैं, वो स्टाइल है, कुछ लोग मेरे जैसे झल्ले होते हैं जो कुछ भी पहनकर कहीं भी चले जाते हैं, वो कपड़े के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ पहनते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। तो मेरा जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी पहनूं, मैं कैसी भी दिखूं, मुझे अंदर से जो फीलिंग होती है ना उसी से मैं फील करती हूँ रेड कार्पेट पे, कि कोई पूछने क्या पहना है तो मैं सच में यही बोलती हूँ कि मैंने कॉन्फिडेंस पहना है, और ये कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आया, बहुत मेहनत की है। लोग स्टाइलिंग पे मेहनत करते हैं, अपने कपड़ों पे मेहनत करते हैं, पर मैंने अपने ऊपर मेहनत किया है। मुझे हल्की फुल्की लाइफ अच्छी लगती है, भारी भरकम लाइफ नहीं अच्छी लगती, ना तो भारी भरकम कपड़े अच्छे लगते हैं ना ही भारी भरकम लाइफ अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तमाशा है यार लाइफ में, इतने तमाशे में नहीं पड़ना है, ऐसे ही छोटी छोटी नौटंकी करनी है। बताओ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या मीडिया को इम्प्रेस करने के लिए मैं अपने 25-50 हज़ार खर्च कर दूँ एक टाइम के लिए? क्यों, मैं उसको सही जगह खर्च करूंगी, मेरे अपने सपने हैं। आपको मैं बताऊं, सिर्फ एक्टर बन जाना और नाम अपना लोगों के बीच में एस्टैब्लिश कर लेना ही इतना ही सपना नहीं है, मेरे और भी सपने हैं। प्लीज प्रे करना मेरा सपना पूरा हो यार, बिकॉज मुझे लगता है मैं उस ओर हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं मेहनत भी बहुत कर रही हूँ और टाइम भी आ गया है, बस आप लोगों की ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो सारे की सारी साड़ियाँ दिखाना मुश्किल है, लेकिन मैं पहन पहन कर आपको दिखाती रहूँगी, जब भी मैं कोई साड़ी पहनूँगी मैं एक वीडियो बना लूँगी, मैं आपको दिखा दूँगी। मुझे माँ की ये साड़ी बहुत पसंद है, मेरी माँ की बहुत सारी साड़ियाँ मैंने मारी हुई है। ये भी मॉम की है, हाँ ये भी मॉम की है, मुझे हल्की साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है यार। ये सदियों पुरानी साड़ी होगी, मैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितना पुराना है, पर ख़राब अब तक नहीं हुआ है, इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये संभलता नहीं है, थोड़ा फैलता है, अब इसको कैसे मैं ड्रेप करूँगी मालूम नहीं, पर ये मैं पहनूँगी। ये ट्रंक में रखी हुई जो साड़ी होती है ना, ये कहानी इसका किसी को नहीं पता है, ये किसने दिया, किसकी शादी में आया, पर ये गिफ्टेड साड़ी है जिसका मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद है, ये कढ़ाई है, आई थिंक ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, या बहुत हल्की साड़ी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे ऐसा लगता है मेरी चुहिया ने, मेरी मम्मा है ना मोही, मोही ने अपना स्कूल का वो क्या होता है, क्या होता है वो यार, उसको क्या कहते हैं जो हम भी क्या करते थे, अरे यार जिसमें घर बना देते हैं, जिसमें कढ़ाई का कुछ स्टिचिंग क्लास होता है, उसको क्या कहते हैं,
मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ है पर यहाँ नहीं आ रहा, आप समझ लेना हाँ। वो जो माचिस के डिब्बे से सोफा बनाना और ये, तो ये इस तरीके का लग रहा है कि किसी बच्चे ने बनाया। साड़ी के फूल बेटा जितना हंस रही हो ना, अब इसको अब हो गया आज दिन का काम तो मेरा। ये है वो साड़ी जो मैंने दिवाली में पहनी थी, ये साउथ की साड़ी है। ये मुझे मेरे थर्ड नंबर के सिस्टर ने गिफ्ट किया था जब वो साउथ गई थी। वाइट मेरा फेवरेट है, रेड मुझे बहुत पसंद है, और बाकी के कलर्स तो हैं ही हैं, पर वाइट का मेरे साथ बहुत कनेक्शन है। इस साइड से मुझे रेखा जी याद आती है। हाँ रेखा जी का स्टाइल अभी दिखाती हूँ। अरे यार वो कहाँ गई मेरी साड़ी। हाँ इस तरह की साड़ी जब होती है ना तो मुझे लगता है कि मैं कितने बुरे से रखा है ना साड़ियाँ सब, ये मुझे रेखा जी की याद दिलाता है। मेरी ज़्यादातर साड़ियों की शॉपिंग मैं पटना से करती हूँ क्योंकि शॉप फिक्स है हमारा वहाँ पे, और पापा वहीं से लाते थे और मुझे पसंद भी है। ऐसी साड़ियाँ इधर उधर मुझे इतनी नहीं, मुंबई में तो नहीं मिलती बाय द वे, मैं जहाँ घूमती हूँ वहाँ से शॉपिंग। ये साड़ी मुझे बेहद पसंद थी लेकिन मैंने जब पहना था ना तो कांड कर दिया था, ये कहीं तो ड्राई क्लीनर को दिया था, उसने ये साड़ी जला दी है। कहाँ जली है यार, मैं फिर भी इसको नहीं हटाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार पहना है मैंने इसको, सिर्फ एक बार। और ये साड़ी बाप रे, मेरी मॉम देखेगी ना तो वो गुस्सा करेगी, उसको मैंने झूठ बोला हुआ था कि मैंने सारे ब्लाउजेज जो तुमने साड़ियाँ दी थी उसकी मैं बनवा चुकी हूँ मम्मी, आई एम सॉरी। और अभी तो कोविड है, अभी बनवा भी नहीं सकती कुछ दिन के बाद। चलो फिलहाल इतना ही, मैं करती हूँ सफाई। मुझे पता है कि ये स्टोरी बहुत तरीके से नहीं बनी है, लेकिन मैं क्या करूँ, आज का दिन ही कुछ ऐसा है वैक्यूम वाला। कल तक ये था कि अरे मुझे शूट पे जाना है, अब ये हो गया कि अब नहीं जाना है, वो परिवार फिनिश थोड़ा होता है ना वैक्यूम, तो आज एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मिस नहीं कर रही हूँ उनको, लेकिन उसके बावजूद मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। और YouTube पे लगातार बार बार हर बार कई बार मिलते रहेंगे। आप सजेस्ट करो हमें कि अब हम क्या करें। अब तक तो थैंक गॉड नायगांव में घर नहीं लिया, अगर घर ले लिया होता तो बच गई मैं तो। चलो ठीक है कहीं घूमने जाऊँ, माम के पास चले जाऊँ, कुछ सीख लेती हूँ, आराम करती हूँ या कुछ और काम। जैसे नहीं होता एग्जाम्स दे दिया और अब रिजल्ट आया नहीं है, एक वेटिंग टाइम है 2 महीने का, हाँ आई थिंक 2 महीने का, तो मुझे क्या करना चाहिए, टेल टेल बताओ बताओ, टेलो टेलो। तो ये थी रतन राजपूत की सारी साड़ियाँ, नहीं झूठ बोल रही हूँ कुछ ऊपर भी है, पर मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगी आज। तब तक के लिए इतना ही, हो सकता है आप लोगों को कुछ साड़ियाँ अच्छी लगी हो, कुछ बहुत ख़राब लगी हो, पर ये था मेरा संसार साड़ियों का, साड़ियों से भरा भर, ये टंग ट्विस्टर लग रहा है, साड़ियों से भरा हुआ संसार रतन राजपूत का, हाँ कुछ ऐसे ही। चलो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, राम राम, जय भारत। भूमिका बांध रही थी ना कि कुकिंग स्टोरी नहीं करेंगे, कुकर हो रखी हूँ, ये देखो घर में चुटकी भर नमक नहीं है, धुल चुका है शीशी, पूरे किचन को छान मारा, देयर इज नो सॉल्ट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पर रतन कहती है एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो दुनिया वालों। यार कुछ नहीं बन सकता है, मुझे मार्केट पहले जाना पड़ेगा, मतलब नीचे जाना पड़ेगा। सैंडविच बना रही थी बड़ा पैसा मार के, शीला ने नहीं बताया मुझे, मैं आज फुर्सत में हूँ तो मैं किचन में आई हूँ कुकिंग के लिए, लेकिन शीला ने मुझे बताया नहीं कि घर में नमक खत्म हो गया, तो अब हम खाएंगे बिना नमक का सैंडविच। वैसे नमक कम खाना चाहिए, इसी बारे में नमक नहीं खाऊंगी, पर कुकिंग कैसे होगा। चलो
कोई नहीं, हम फिर से सैंडविच बनाएंगे, हम ब्रेड पे डालेंगे बटर, फिर हम डालेंगे इसकी चीज, और मैं थोड़ा नमक पसंद करती हूँ हल्का खाना, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा इमेजिनरी नमक, अनियन वैसे तो नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमक नहीं है इसमें, मैं साधु संत की तरह खाऊंगी बिना नमक। इसमें डालूंगी धनिया पत्ती, फिर मैं डालूंगी इसमें मिर्च, या मैं प्याज हटा देती हूँ, ये प्याज की वजह से ना गड़बड़ लगेगा, है ना। फिर मैं इसमें डालूंगी ये ब्रेड, अरे हाँ यार सॉस के साथ खाऊंगी ना, नमक की कमी नहीं लगेगी। लो हो गई कुकिंग स्टोरी भी, हो सारी स्टोरी कुकिंग स्टोरी सब की सब, सारी की सारी स्टोरी एक साथ। मैं कितनी अच्छी हूँ यार, आई एम इन लव विद माय सेल्फ। क्या आप लोग अपने आप को इतना प्यार करते हो? सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो बट सेल्फ लवर तो मैं भरपूर हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को ही प्यार नहीं करूँगी तो दूसरे को क्या करूँगी, तो मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। आप भी सोच के बताना, सोच के बताना, पर अपना खाना मत जलाना। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि चेक करो खुद को कि आप दूसरे को प्यार करने के लिए, दूसरे के लिए सोचने के लिए कितना ज़्यादा वक्त देते हो, पर क्या खुद के लिए उतना वक्त देते हो? जो हम लोग ढूंढते रहते हैं ना कि क्यों ऐसा है, हम प्यार क्यों नहीं कर पाते, हम ऐसे क्यों नहीं, हम वैसे क्यों नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए। आहा क्या ज्ञान की बात है कि रतनलाल खुद ने, यार वैसे प्यार थोड़ी है मुझे खुद से। मेरे को जो चिढ़ते हैं ना, जो हेटर्स हैं वो तो कमाल हो जाएंगे। याद रखना हेटर्स, तुम लोग को मैं प्यार करवा के रहूँगी खुद से तुम्हारे लिए। और जो मुझे प्यार, यार ब्रेड जल रहा है यार, हर चीज़ में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। बाद में जा रही हूँ रूम में, अब लेट लूँगी थोड़ा आराम करूँगी, साड़ियाँ वैसे ही फैली हुई हैं अभी तक, दूसरा रूम साफ है, खाते मेरी बैठ कर से डाउन हो गया, हो गया नाश्ता भी हो गया, बातें भी हो गया।